gimbal is ready and we are heading towards Vineyard Station to catch our walk. King Street walk, Vineyard. आज के ट्रिप का आगाज कुछ इस तरीके से हुआ है कि हम जा रहे थे अपना एडवेंचरस डे स्टार्ट करने के लिए, बट जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े हैं तो मोइस को रियलाइज हुआ दैट ही डोंट हैव हिज ओपल कार्ड व्हिच वी नीड टू ट्रैवल इन ट्रेन. गाइस अच्छा हुआ इसने टिकट ले लिया था. चेक कर रहे हैं टिकट. इट्स ऑल अबाउट लक. इट्स अबाउट $200. इट्स लकी. सो this trip was going good. Morning, how are you? It was going to cost us a lot, but thanks guys. Let's go. Money doesn't buy you a happiness, but what it does buy you, a ticket to go for whale watch. It's a beautiful day today. It's sunny, nice weather. It's perfect to go out for whale watching. So today we're gonna catch this ferry and it's gonna take us around 3.5 to 4 hours to go get some whale shots and come back. So you guys should watch this vlog. Comment in the box below and let me know if you like it or not. I hope I will get very fantastic shots for you guys and I will showing you something really different. So stay with me. It's called Auran vlogs on YouTube. Subscribe now. Thank you. Good, how are you? Yep. Excited. Oh, really? It's gonna be nice for us. Thank you. इस सफ़र में हमें जो व्हेल्स देखने को मिली वो हम्प बैक व्हेल्स हैं. हम्प बैक व्हेल्स साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं और तकरीबन 40 से 80 फीट तक लंबी हो सकती हैं. हर साल तकरीबन 33,000 हम्प बैक व्हेल्स एंटार्कटिक ओशन से गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र तय करती हैं, जिसको तय करने में उन्हें 7,000 किलोमीटर तक तैरना पड़ता है. एक हम्प बैक व्हेल अपनी पूरी ज़िंदगी में 33,000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का सफ़र बआसानी तय कर सकती है. एंटार्कटिक ओशन से गोल्ड कोस्ट तक आने में हम्पबैक को 4 महीने का सफ़र लगता है और ये 4 महीने वो बगैर कुछ खाए गुजारती है. उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसको अपनी बॉडी से फैट रिड्यूस करना पड़ता है ताकि वो गर्म पानी में अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके सर्वाइव कर सके.
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।